नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है या फिर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके शरीर में से क्या क्या लक्षण नज़र आते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है या फिर आपका सर्वेक्स खुलने वाला है और आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में या फिर प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट में अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जो कि आपका आखिरी अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका सर्वेक्स कितना खुला है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9वें महीने में डॉक्टर भी फिंगर की सहायता से आपके बच्चेदानी को चेक करते हैं कि वो खुलना शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सर्वेक्स चिकना हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, पतला हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपका सर्वेक्स खुलने लग जाता है तो वो चिकना हो जाता है, पतला होने लग जाता है, अच्छे से डायलेट होना शुरू हो जाता है, तो ये पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलने लग गया है, तो ये आपको डॉक्टर बता देती हैं। लेकिन कुछ और भी पहचान होती हैं जिससे कि आप अपने आप पता कर सकते हैं कि मेरा सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। तो देखिए, जो भी लक्षण मैं आपको बताऊंगी वो प्रेगनेंसी के 9वें महीने के हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है नीचे की एरिया में दबाव महसूस होना। जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है ना, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो आपके बच्चे के सर से दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कि आपको नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको पेट के ऊपरी हिस्से में खालीपन सा महसूस होता है, यानी कि जब आपका बच्चा नीचे चला जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो आपके ऊपर का एरिया खाली हो जाता है, तो ऐसे में आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ नहीं होती है। पहले आपको सीने में जलन की शिकायत हो रही होगी, पेट में गैस बनने की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है तो आपको सीने में जलन भी नहीं होती है, आप बहुत अच्छे से खाना खा पाते हैं और आप बहुत अच्छे से सांस भी ले पाते हो। तो एक ये भी पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो जाता है, तो आपको पीठ में, कमर में, पेट के निचले हिस्से में, मतलब ये कि पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है। दोस्तों, जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है ना, तो आपके पूरे लिंगामेंट में खिंचाव होता है, और लिंगामेंट में खिंचाव होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको दर्द होगा ना, तभी आपका बच्चा टिका रहेगा। दर्द नहीं होगा तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, इसलिए दर्द होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है ना, तो आपके बच्चे के सर से काफ़ी दबाव बनता है, जिसकी वजह से कि आपको जो वाइट डिस्चार्ज पहले कम आ रहा था, इस समय ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो आपको भी लगता है कि आपका वाइट डिस्चार्ज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया है, पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो एक ये भी पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पहचान है वो है म्यूकस प्लग का निकलना। दोस्तों देखिए, म्यूकस प्लग प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में भी निकल सकता है, या फिर आपकी डिलीवरी से 1-2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10-15 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले भी निकलना शुरू हो जाता है। किसी किसी महिला का म्यूकस प्लग एकदम से बाहर आ जाता है और किसी किसी महिला का म्यूकस प्लग टुकड़ों में बाहर आता है। तो म्यूकस प्लग का पहचान मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह वाइट डिस्चार्ज की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत रक्त की धारियाँ देखने को मिल सकती हैं। पिक्चर आप देख ही रहे हो, इस टाइप का म्यूकस प्लग होता है, इनमें से आपका कैसा भी हो सकता है। बाकी दोस्तों, म्यूकस प्लग आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह आपके सर्वेक्स पर डॉट की तरह काम करता है, यानी कि आपके सर्वेक्स पर टिका रहता है, और जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो जाता है ना, तो आपका म्यूकस प्लग बाहर आना शुरू हो जाता है, और यह आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है, क्योंकि म्यूकस प्लग जो है आपके बच्चे को बहुत सारे बैक्टीरिया से, बहुत सारे कीटाणुओं से बचाता है, यानी कि बाहर का बैक्टीरिया गर्भाशय के अंदर जाने नहीं देता। और जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, सर्वेक्स खुलना शुरू हो जाता है, तो म्यूकस प्लग बाहर आना शुरू हो जाता है। तो एक ये बहुत ही बड़ी पहचान है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके अलावा जब आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो जाता है ना, तो उस समय आपको यूरिन भी बहुत ज़्यादा आता है, और आपको 15 से 20 मिनट के अंदर यूरिन आता है। इसके बाद क्या होता है कि जब आपका बच्चा नीचे आ जाता है, आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो जाता है, तो आपको फॉल्स लेवर पेन भी आते हैं। दोस्तों, फॉल्स लेवर पेन आपके डिलीवरी की तैयारी होती है, यानी कि डिलीवरी के दौरान आपको इसी प्रकार का दर्द होने वाला होगा, और यह दर्द थोड़ी देर के लिए आता है, फिर यह दर्द आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस दर्द में क्या होता है कि आपको पीरियड की तरह दर्द होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि संकुचन होता है, और जब आपको संकुचन होता है तो आपका पेट काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद यह दर्द आपको ख़त्म हो जाता है, लेकिन यह दर्द आपको बार बार होता है। तो एक ये भी पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलने लग गया है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट पहचान है वो है बच्चे की हलचल कम महसूस होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं करेगा, बच्चा हलचल करेगा, हर 2 घंटे में आपको 10 बार तो किक महसूस होगा ही, उससे कम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, 10 बार से ज़्यादा हो रहा है तो फिर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाइए। बच्चे की हलचल
कम होना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि आपका बच्चा नीचे आ जाता है, सर्वेक्स पर दबाव बनाता है, नीचे के एरिया में फिक्स होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से कि आपके बच्चे को ज़्यादा जगह नहीं मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, ज़्यादा घूम सके, इसलिए आपको कम हलचल महसूस होती है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको आपके बच्चे की हलचल ऊपर के एरिया में ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि बच्चे के पैर जो हैं ऊपर की तरफ रहते हैं तो वो पैर ज़्यादा चलाता है, तो आपको ऊपर के एरिया में ज़्यादा हलचल महसूस हो रही है, तो एक ये भी पहचान है। दोस्तों इसके अलावा यदि डिलीवरी से पहले की बात करें तो डिलीवरी से पहले आपको लेवर पेन आता है, और लेवर पेन आने का मतलब यही है कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। और आपको पता ही होगा कि लेवर पेन में क्या होता है कि लेवर पेन में आपका जो दर्द है, जो संकुचन है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो लगातार नहीं आता है, रुक रुक के आता है, लेकिन समय के साथ आपका दर्द बढ़ता जाता है। क्योंकि जब आपको लेवर पेन आता है तो मान लीजिए कि उस समय आपका सर्वेक्स 1 सेंटीमीटर ओपन होगा या फिर आपका सर्वेक्स 2 से 3 सेंटीमीटर ओपन होगा, लेकिन जब आपका डिलीवरी होता है तो आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि जब आपको दर्द शुरू हुआ था तो आपका सर्वेक्स कितना कम खुला हुआ था, लेकिन जब आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुलने वाला है, तो उसी हिसाब से आपका दर्द बढ़ता चला जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलेगा ही और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी, तो इस समय तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बाकी दोस्तों जो दूसरा पहचान है वो है पानी की थैली का फटना। ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पहले लेवर पेन आता है और लेवर पेन के बीच में ही पानी की थैली फट जाती है, या फिर डिलीवरी से पहले पानी की थैली फट जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि पहले उनकी पानी की थैली फटती है, देन उनको लेवर पेन स्टार्ट होता है। तो पानी की थैली फटने के 5 घंटे के बाद भी लेवर पेन स्टार्ट हो सकता है, 10 घंटे के बाद भी हो सकता है, 24 घंटे के बाद भी हो सकता है, या फिर पानी की थैली फटने की 1 से 2 घंटे के बाद भी आपको लेवर पेन शुरू हो सकता है। तो जैसे ही आपकी पानी की थैली फटती है तो ये भी एक पहचान है कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है। बाकी पानी की थैली फटने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बाकी दोस्तों यही कुछ पहचान थे जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सर्वेक्स खुलना शुरू हो गया है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। बाकी इनमें से कुछ लक्षण नहीं भी मिलने हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। किसी महिला को कुछ लक्षण होता है, किसी महिला को कुछ लक्षण होता है, तो टेंशन मत लीजिए, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और हैप्पी रहिए, तनाव मत लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।